आज भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है। आज के दिन सभी हमारे नेता, केंद्रीय नेता भी, प्रदेश के नेता भी और हमारे जिला के नेता पदाधिकारी सभी 68 की 68 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान। उसी में मैं भी शामिल हुआ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी भी इसमें शामिल हुए, हमारे मंगल पांडे जी भी शामिल हुए, संजय जी भी शामिल हुए। हम सब लोग आज शिमला में लोअर बाजार में महाजनसंपर्क अभियान हम लोग ने किया। आपने भी देखा, आपके कैमरों ने कैद किया किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है। लोग दुकानों से निकल करके इस महाजनसंपर्क अभियान को आशीर्वाद दे रहे हैं और अभी इसके बाद मैं सोलन जाऊंगा, तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम हिमाचल प्रदेश की जनता ने संजो के रखा है और अटूट विश्वास, और जो विकास के काम है उसको जिस तरीके से जमीन पर हमारे जयराम ठाकुर जी ने उतारा है उसको आशीर्वाद देने का हिमाचल की जनता ने मन बनाया है, और 12 तारीख को वो भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, ये विश्वास ही है मुझे। और उत्साह के कारण मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक पर्व का माहौल है। आज भी महाजनसंपर्क अभियान में मुझे एक पर्व का माहौल दिखा, कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखा। कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उनको उत्साह को चैनलाइज करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इस संपर्क अभियान में मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाएं और आशीर्वाद को और बुलंद करें, यही मुझे कहना है। पोल मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है सर, कांग्रेस पार्टी ने 10 एश्योरेंसेस की हैं, वो उससे किस तरह से भिन्न है? कांग्रेस पार्टी को अपने ही मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है। लिखने वाले ने पढ़ा नहीं, पढ़ने वाले ने लिखा नहीं, बोलने के लिए बोल देते हैं, न उसमें विजन है, न वजन है, न डायरेक्शन है। तो ये उनका और ये इसी तरीके से जाने जाते हैं, कौन सा मैनिफेस्टो उन्होंने सीरियसली लिया और कौन से मैनिफेस्टो पर आपने उनके साथ चर्चा की है, क्योंकि आप ही सीरियसली उनको नहीं लेते हैं। हमारे मैनिफेस्टो ड्यू डिलिजेंस के साथ होता है और उसमें सारी चीज़ों की बारीकियां वर्क की जाती हैं, उन बारीकियों को रखने का प्रयास होता है, इसलिए लोग हमारे मैनिफेस्टो को सीरियसली लेते हैं। मैंने पिछले मैनिफेस्टो का भी आज याद दिलाया, कांग्रेस पार्टी हिम्मत ही नहीं कर सकती कि पिछला मैनिफेस्टो को याद दिलाए। हमने अपना याद दिलाया, क्या हुआ वो भी बताया और तब आगे की बात कही।